लंच करके हम चल दिए टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्पॉट विच वॉज सेंट फिलोमिनास कैथीड्रल, जिसके 175 फीट लंबे ट्विन स्पायर्स आपको काफ़ी दूर से ही दिख जाएंगे। ये चर्च सुबह 5 AM टू शाम 6 PM तक खुला रहता है। हाउएवर इट्स बेस्ट इन्जॉयड इन द इवनिंग आवर्स, जब ये बहुत सुंदर तरीके से लिट हो जाता है। दिस चर्च इज बिलीव टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट चर्च इन एशिया। इसको 1840 में बनाया गया था, तब इसका स्ट्रक्चर काफ़ी छोटा एंड अलग सा हुआ करता था। इट वॉज इन द ईयर 1933 जब कृष्ण राजा वोडेयर 4 ने प्रेजेंट डे स्ट्रक्चर बनवाया टू केटर द नीड्स ऑफ यूरोपियन पीपल विच रिजाइडेड इन मैसूर एट दैट टाइम इन ह्यूज नंबर्स। The day 4th of Jan being a Tuesday made us greet with another must visit but closed tourist spot, Karanji Lake. खैर इस चीज़ को ध्यान में रखते आप अंदर जाके leisurely walk या तो boating या birds को निहार सकते हैं, जिनकी 147 species are believed to throng the 90 hectares of land, or you can visit the butterfly park containing 45 species and also can visit the regional museum of natural history. Entrance fee for adults is rupees 10, for children it is rupees 5. For boating, adult fee is rupees 25 per person and for children it's rupees 15 per person. Charges for video cam and still camera are there, but they are quite nominal. फाइनली हम पहुंच गए द लास्ट पार्ट ऑफ द डे, मैसूर पैलेस। A breathtaking example of Indo-Saracenic style of architecture, Mysore Palace, जिसको अम्बा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, is the former palace of the royal family and this still is their official residence. This palace belonged to the royal family for almost 600 years. From the year 1350 to 1950. इस पैलेस को कई बार रेनोवेट करा गया, हॉल्स ऐड करे गए। The most prominent and major renovation and reconstruction took place in the year 1897 when it was destroyed due to the fire. 1912 में जाकर reconstruction ख़त्म हुआ and then it was handed over to the 24th ruler of the Wodeyar dynasty. इसके आर्किटेक्चर में आपको हिंदू, मुस्लिम, राजपूत एंड गोथिक स्टाइल्स का ब्लेंड देखने को मिल जाएगा। हिस्ट्री में रुचि रखने वाले पैलेस की एंट्रेंस से लोकल गाइड भी हायर कर सकते हैं, जो आपको माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल अबाउट दी पैलेस बता देगा। The best time to visit the palace is during Dashera. तब इस पैलेस एंड सराउंडिंग गार्डन्स की चकाचौंध आपको अचंभित कर छोड़ेगी।
पैलेस देखने के साथ साथ यहाँ होने वाले लाइट एंड साउंड शो को मिस मत कीजिएगा, विच इज़ अ ट्रूली वॉच स्पेक्टिकल, क्योंकि यही तो चीज़ें हैं जो मैसूर पैलेस को टूरिस्ट का सेकंड मोस्ट फेवरेट स्पॉट आफ्टर द ताजमहल बनाती हैं, मोर देन 6 मिलियन ऑफ विच थ्रोंग दिस प्लेस इन अ ईयर। विद दिस वी कम टू दिस स्टेयरकेस जो पैलेस से आपकी एग्जिट करवा देगा।